लेकिन हमसे बार बार ये सनद, ये सर्टिफिकेट, ये वफादारी का सिला मांगते न रहे। हम तंग आ चुके हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे लोगों के जरिए कर रहे हैं जिनका अपना वजूद ही तहफूज का शिकार हो। ऐसे लोगों को सारे बाजार ला रहे हैं, ऐसे लोगों को जहाँ जिसकी उनके अपनी अहमियत नहीं है। खुदारा मैं हाथ बांध के कहता हूँ, यहाँ वफादार लोग बचते हैं, यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं। आज कुछ ऐसे लोगों के जरिए पाकिस्तान के लिए सनद फराम न करे। आज कुक मांगता है, कोई कहता है टनल नहीं है, कोई कहता है एयरपोर्ट अलबदर होने चाहिए, कोई कहता है यहाँ पर जमीनें बंजर है, यह हमारी हक की मिल्कियत है, कोई कहता है यह जंगल, अगर इसको अगर आप नेशनल पार्क तस्वीर करते हैं तो आप वहाँ के स्टेक होल्डर से रब्ता करें, वहाँ इसको इतमाद में लेकर करें, अगर ये गुनाह है तो ये होता रहेगा, ये अपील होती रहेंगी, ये मुतालबे होते रहेंगे। अगर हम कहें यह जमीन हमारा है, हम हद्दार हो गए उससे। ड्रामे आइंदा न चढ़ाए, चलाना है तो आज आप अवाम में आए, आप बुजुर्गों के सामने आए, आप उलमाए कराम के सामने आए, अच्छे अच्छे किरदार के लोगों के सामने आए और उसके सामने आके बोले, ताकि आपको आपकी तहफ़ुज भी होगी, आपको फैज होगा। अगर इस तरह आप नफरत की बीज बोते रहेंगे तो खुदा की कसम मेरे आने वाले नस्ल ना आप संभाल सकेंगे ना मैं संभाल सकूंगा। इस तरह के ड्रामाबाजी आइंदा ना करें। खुदारा ऐसे लोगों को आगे न लाए, जो मैं उन चीजों पे जाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ जाए वहां पर पुलिस थाने में जाए, क्या क्या एफआईआर मौजूद है, अभी लोगों को आगे ला रहे हो। हमें भी रोना आता है। आज मोहम्मद इच्छा सिंह को लाकर आप आगे लाए हुए। बेशक खुदारा न करे ऐसी चीजें।